पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान सूबे विच निवेश नूं आकर्षित करन दे लई जर्मनी दौरे ते ने। इस दौरान उन्होंने जर्मन लग्जरी कार निर्माता BMW दे मुख दफ्तर वेखे कंपनियां दे अधिकारियां दे नाल मीटिंग कीती है। इस तो बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों इह दावा कीता गया सी कि BMW पंजाब विच ऑटो पार्ट्स बनाएगी। उन्हां मंगलवार नूं इह दावा कीता कि BMW ने पंजाब विच ऑटो पार्ट्स बनाउण वाली इकाई स्थापित करन दे लई सहमति दे दित्ती है। हालांकि बुधवार नूं BMW ने भगवंत मान दे इस दावे दा खंडन कीता है। इस बयान विच कंपनी ने कहा है कि उसकी पंजाब विच नवा प्लांट लगाउण दी कोई योजना नहीं है। BMW कंपनी वालों मुख्यमंत्री भगवंत मान दे दावे नूं खारिज करन तो बाद हुण सूबे दी सियासत भी पक गई है। विरोधी धिर दे लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान दे सवाल खड़े कीते ने। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि BMW ने मुख्यमंत्री भगवंत मान दे दावे मुताबक पंजाब विच कोई भी प्लांट लगाउण तो इनकार कर दिता है। प्रताप बाजवा ने ट्वीट कर पुछया कि मुख्यमंत्री इस उत्ते अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते ने जां ओह पूरे सूबे दे नाल झूठ बोल रहे ने। ते उधर आम आदमी पार्टी वालों भी बाजवा वालों चुक गए सवालों ते स्पष्टीकरण दिता है। बाजवा साहब मैं तुहानू दुरुस्त करदा, किसी भी इंटरनेशनल कंपनी दा एक कंट्री ऑफिस हुंदा, एक हेड ऑफिस हुंदा। पंजाब दे माननीय मुख्यमंत्री जी ना जर्मनी दौरे ते BMW दे हेड ऑफिस दे ऑफिशियल्स ने जिहड़ी गलबात कीती आ, और जो पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने ऑफर की पंजाब की यूनिट लगाने की, तो उन्होंने इस गल की हामी भरी है। लेकिन तुहानू पता होना चाहिए किसी भी करार का एग्रीमेंट का एक प्रोसीजर है, वो एक समा लगता है। और तुहाडी जानकारी लई मैं दसदा कि आने वाली 23 और 24 फरवरी 2023 नूं पंजाब च एक इन्वेस्टमेंट मीट होने जा रही, जिहदे च BMW के ऑफिशियल्स भी आउण नूं तैयार है, और उन्होंने हामी भरी है। पहला भी MOU होंगे रहे अकाली दल की सरकार के टाइम, कांग्रेस की सरकार के टाइम, सारे MOU जिहड़े आ उह रद्दी दीआं टोकरियां का हिस्सा बन गए, सारे पंजाब नूं पता है। तुहानूं तकलीफ इस गल की आ क्योंकि पिछले मुख्यमंत्री भेडू घोड़े या जाके अरब कंट्रियां चों खजूरां दे पेड़ लिआउंदे सी अपने परसनल यूज लई। पहली बार मान साहब की अगवाई च पंजाब सरकार ने पंजाब च इन्वेस्टमेंट लिआउण लई रियल सेंस च इन्वेस्टमेंट लिआउण दी शुरुआत कीती है। तुहानूं तकलीफ इस गल दी असीं समझ सकदे हां, लेकिन पंजाब दे लोक तुहानूं आउण वाले टाइम च इसका जवाब देणगे। BMW विवाद नूं लैके हुण विरोधियां वल्लों मान सरकार नूं घेरिया जा रहा है। अकाली दल दे सीनियर लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया वल्लों मुख्यमंत्री भगवंत मान दे सवाल खड़े कीते गए ने। उन्हां दा कहना है कि CM दे बयान ने पंजाबियां दी किरकिरी कीती है। ते उधर BJP ने भी इल्जाम लगाउंदे होए कहा कि मुख्यमंत्री दे इस बयान तों देश शर्मसार होया। बड़े अफसोस दी गल है और बड़े हासोहीनी गल है कि चीफ मिनिस्टर साहब तुसीं पंजाब दे लोकां दी नुमाइंदगी कर रहे हो, BMW च थोड़ी ना कोई हिस्सेदारी है ना तुसीं उहदे CEO। जे BMW ने इत्थे इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रोटोकॉल डिमांड कि BMW बयान दिंदा, तुसीं लोकां नूं मिसलीड करके एक बयान दिता, और उहदी पोल शाम बहिंदिआं बहिंदिआं BMW ने थोड़ी भी किरकिरी करती, सरकार की भी किरकिरी करती। और मैं एक पंजाबी होने के नाते महसूस करता कि सानू सब पंजाबियों भी थोड़ी हरकतां करके नमोशी का सामना करना पड़ा। तुसी अपनी जर्मनी की फेरी को जस्टिफाई करना चाहते हो जी, सदके करो। सरकार हनीमून पीरियड से असी सारे जानते हैं, तुसी उहदा लाभ उठाउणा चाहते हो जी, सदके उठाओ। मगर पंजाब नूं पंजाबियों नूं जाके झूठ बोल के पंजाब का सिर नीवा ना करो। भगवंत मान जी पिकनिक मनाने गए हैं जर्मनी में, वहां जाकर के बयान जारी करते हैं कि मैंने BMW के अधिकारियों से मुलाकात की है, उन्होंने फैसला किया है कि पंजाब में BMW का स्पेयर पार्ट बनाने का कारखाना लगाने जा रहे हैं। और उधर BMW ने बयान जारी कर दिया, उन्होंने कह दिया ये झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर देश और विदेश के लोगों का भरोसा नहीं रहा? ये शर्मसार बात है और देश शर्मसार हो रहा है कि देश के पंजाब के मुख्यमंत्री बाहर जाएं और ऑफिशियल बयान जारी कर दें, और उसके अलावा जर्मन के अंदर बयान जारी किया हो और वो झूठ निकले, ऐसे कौन भरोसा करेगा आप लोगों के ऊपर? लोग महसूस करते हैं कि केजरीवाल और भगवंत मान इन दोनों की सरकारों के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं रहा।